जय भीम साथियों, मैं राहुल कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ बहुजन संगठक में। आज हम धम्म भूमि देहू रोड से लाइव है। हाँ दोस्तों, ये वही भूमि है जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपने हाथों से स्वयं ये बुद्ध रूप यहाँ पे स्थापित किया था। ये वही धम्म भूमि है जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चाहते थे कि यहाँ पे सबसे बड़ी भारत की बुद्धिस्ट सांस्कृतिक धरोहर निर्माण हो। और इसी धम्म भूमि से आज हम नए सांस्कृतिक पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ है यहाँ पे टेक्सास जी गायकवाड़। नमो बुद्धाय। साथियों, अभी राहुल जी ने बताया कि तथागत डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने यहाँ बहुत बड़ी क्रांति की है, धम्म क्रांति की है। उन्होंने अपने लफ्जों में 25 दिसंबर 1954 को कहा कि जो धर्म 1200 साल पहले देश बाहर किया गया था, उसी बौद्ध धर्म की हम यहाँ पुनर्स्थापना कर रहे हैं। ये बौद्ध धर्म के पुनर्स्थापने की महान क्रांति है, यहाँ धम्मपीठ बनाओ। तो ये भूमि इतने क्रांतिकारी है, इसलिए हमने यहाँ संघर्ष किया, क्योंकि ये जो जगह है वो मिलिट्री लैंड है, A1 लैंड है और यहाँ रेड जोन है। तो रक्षा मंत्रालय के परमिशन बिना यहाँ कुछ भी होता नहीं, इसलिए हमने सोचा कि जब तक ये हम खरीद नहीं सकते तब तक हम कुछ आगे बढ़ नहीं सकते। तो हमने रक्षा मंत्रालय से मांग की जगह की और उसके लिए हमने संघर्ष भी किया और उस संघर्ष के फलित हमें रक्षा मंत्रालय ने 20,000 स्क्वायर फुट की जगह ये बेच डाली। ये अपने भारत देश का पहला उदाहरण है कि मिलिट्री ने जगह बेची है और वो जगह धम्म भूमि की है। जगह खरीदने के बाद हमने कोशिश की, 2-3 बार प्लान सैंक्शन भी हुए मगर हम आगे बढ़ नहीं पाए। पर अभी रेड जोन होने के बावजूद भी हमने यहाँ जो कंस्ट्रक्शन किया है वो अभी 5,000 स्क्वायर फुट का है। ये ऊपर स्लैब भी बनाया हुआ है और जल्दी साल डेढ़ साल में ये जो जिसे धम्म भूमि कहते हैं कि बाबा साहब ने जहाँ बुद्ध मूर्ति बिठाए ये धम्म भूमि है, ये डेढ़ साल में खड़ी हो जाएगी, यानी पूरी लोगों को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाएगी। इसके दाहिनी तरफ जो हमने कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की थी वहाँ पर हम जो कंस्ट्रक्शन बनाएंगे अंडरग्राउंड उसका विपश्यना केंद्र होगा और ऊपर G+2 होगा, उस पर जो डोम होगा उसका नाम हम दीक्षा भूमि रखेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने उस वक्त कहा था कि मैं आप सबको बुद्ध के भगवान बुद्ध के झोले में डाल रहा हूँ, इसका मतलब दीक्षा दी है, इसलिए उस बिल्डिंग का नाम दीक्षा भूमि होगा, यहाँ धम्म भूमि। और बाजू में बाबा साहब की रक्षा है और उसके लिए जो बिल्डिंग होगी उसको हम चैत्य भूमि के नाम से चैत्य भूमि का नाम देंगे। और 2.5-3 साल के अंदर ये तीनों जो है दीक्षा भूमि, धम्म भूमि और चैत्य भूमि ये तैयार हो जाएगी और बाबा साहब का जो सपना है वो लोगों को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाएगा। जल्द से जल्द ये पूरा हो जाए ऐसी हम मनोकामना व्यक्त करते हैं। आपने अभी अभी महात्मा फुले जी ने जो शिव उत्सव शुरू किया था उसको आपने पिछले 5 साल से दोबारा शुरू करके एक नई पहल की। इसी के साथ आपने नवराष्ट्र माता उत्सव का भी अभी आयोजन किया है, तो आप हमें उसके बारे में जानकारी दें कि मनुवादी लोगों ने जितनी देवियां सामने रखी है वो सभी काल्पनिक है और उन्होंने जो पुराण लिखे वो भी काल्पनिक है और हर देवी का मकसद क्या है कि राक्षस को मार डालना। देखिए, ब्राह्मण अगर कोई ब्राह्मण की हत्या करता है तो उसके ब्राह्मण की हत्या कहता है, मगर महाराष्ट्र के मराठा रहो, गुजरात के पटेल रहो, ठाकुर रहो, कुशवाहा रहो, यादव रहो, या तो बहुजनों में से कोई किसको मार डाला तो उसको वध कहते हैं। क्यों वध कहते हैं? कि ये सारे राक्षस है, ऐसा मानते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ये शुरू किया गया
के ब्राह्मण भगवान ईश्वर यानी देव और ब्राह्मण के अलावा जितने भी देश में है वो सारे राक्षस। तो हर देवी के पैर तले जो राक्षस होता है वो बहुजनों का बाप होता है। इसलिए मुझे ये इसका गुस्सा आया कि हम हमारे बाप का पराभव भी मनाते हैं, उसको उत्सव में मनाते हैं, ये शर्म की बात है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये जो प्रथा है जो मनुवादी ने हमारे माथे पे थोप डाली है उसको हटाना चाहिए, उसको मिटाना चाहिए। इसलिए हमने नौ राष्ट्र माता उत्सव शुरू किया। ये जो देवियाँ हैं इनमें से कोई भी हमको कि कभी मजबूर यानी मुश्किल में साथ नहीं देती, प्रेरणा नहीं देती, अंधश्रद्धा में झोंक देती है। और हमारे जो राष्ट्र माता जो हमने चुनी है वो राष्ट्र माता है, सही माने में विश्व माता है। उनका जो बलिदान है, उनका जो कार्य अति महान है। तो पहली जो राष्ट्र माता हमने चुनी है वो महामाया है। महामाया भगवान बुद्ध की माता है। और देखिए भगवान बुद्ध किसान पुत्र थे, वो ब्राह्मण नहीं थे। इसका मतलब वो ठाकुर पटेल कुशवाहा या यादव ऐसे लोगों के वो प्रतिनिधि थे। मगर उन्होंने सारे दुनिया को मार्गदर्शन किया, दुनिया को अच्छा रास्ता दिखाया, सारी दुनिया उनको गुरु मानने लगी। इसलिए मनुवादी ब्राह्मण खफा हो गए और उन्होंने महामाया यानी बुद्ध की जो माया है उनको महामाया बोलना शुरू किया। बोले महामाया गलत ढंग से इस्तेमाल करना शुरू किया। तो हमको ऐसा लगता है कि जो महामाया माँ है कौलीय वंश की यानी कोई जात की थी, उन्होंने एक अच्छा सुपुत्र दिया, महासूर्य दिया जिसने दुनिया को प्रकाश दिलाया। इसलिए हमने महामाया को पहली माता चुनी है कि उसका उनका आदर्श लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। दूसरी माता जो जिजाऊ है, जिजाऊ राष्ट्र माता ने छत्रपति शिवराय को जन्म दिया, उनको पढ़ाया लिखाया और युद्ध कला सिखाई और राजनीति सिखाई। और वो जो नीति थी वो रामायण की नीति नहीं थी, वो कृष्ण की नीति नहीं थी। कृष्ण की नीति अगर होती तो वो भी शिवराय भी फिर चलो गोपियां साथ रखते, राम के मुताबिक सीता को यानी अपने बीवी को वनवास को भेजते, चातुर्वर्ण जैसा राज करते। मगर उन्होंने चातुर्वर्ण का राज किया नहीं, उन्होंने समता का राज किया। और इसलिए हमने यानी राष्ट्र माता जिजाऊ का नाम ये नव राष्ट्र माता में इसलिए लिया कि एक महान माता ने महान जननायक को जन्म दिया। फिर सावित्री माता, आज जो भी नारियां पढ़ रही है वो सारी नारियां केवल और केवल राष्ट्र माता सावित्री की वजह से पढ़ रही है। मनुवादियों ने तो कहा अगर औरत ने पढ़ाई की और उसने अगर रसोई बनाई तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इतना गलत प्रचार वो करते थे। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा की पाबंदी लगाई थी, वो पाबंदी उठाने वाली हमारी सावित्री माता है और वो हमारी राष्ट्र माता तीसरी है। रमाई ने बाबा साहब के लिए इतना कष्ट किया, समाज के लिए इतना कष्ट उठाया और आगे चल के बाबा साहब ने जो देश के उद्धार का काम किया, इसलिए हमने रमाई का यानी चौथे नंबर में अंतर्भूत किया है उनको। उसके बाद में फिर अहिल्याबाई होलकर है। अहिल्याबाई होलकर उन्होंने भी शिवराय का जो कार्य था वो आगे बढ़ाया था और इसलिए उनका भी आदर्श लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। उनका प्रशासन कौशल्य लोगों के सामने रखना जरूरी है, इसलिए हमने नवराष्ट्र माता में उनको अंतर्भूत किया है। बाद में फिर झिलकारी लोग कहते हैं कि लक्ष्मीबाई झांसी की रानी है, लक्ष्मीबाई इन्होंने बहुत बड़ा मैंने त्याग किया, मैंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की, ये सब झूठ है। हालांकि उसकी जगह झिलकारी जो थी वो भी ओबीसी समाज की थी और उसने बहादुरी दिखाई, उसने बलिदान दिया। वो बलिदान इन्होंने मनुवादियों ने दबा के रखा है, वो लोगों के सामने लाने के लिए हमने जो झिलकारी रानी की ये नव राष्ट्र माता में उनका समावेश किया है। उसके बाद में फातिमा शेख, एक मुस्लिम नारी ने बहुजनों के महिलाओं को सिख पढ़ाने के लिए वो बहुत बड़ी कुर्बानी दी, वो लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है। उससे भाईचारा भी बढ़ेगा कि एक मुस्लिम नारी ने बहुजन महिलाओं के लिए इतना महान कार्य किया। उसके बाद में मुक्ता साळवे है। मुक्ता साळवे जैसी एक विद्यार्थी जो 14 साल की थी, उस उम्र में उन्होंने जो निबंध लिखा और उसमें जो प्रबुद्धता है और जो बगावत है वो आज के समाज को सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुक्ता साळवे लहुजी साळवे इनका नाम लेके मनुवादियों के गुलाम हो रहे हैं और हमें दिखाना चाहते हैं कि लहुजी साळवे महात्मा फुले के साथ थे, मुक्ता साळवे महात्मा फुले की शिक्षा थी
और वो सभी ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, मनुवादी के खिलाफ थे। इसलिए आप सभी ने मिलकर मनुवाद को छोड़ के फिर से मुझे यानी कि महात्मा फुले जी का जो कार्य है बहुजन उद्धार का, बाबा साहब का जो कार्य बहुजन उद्धार का, उसमें शामिल होना जरूरी है। अभी नवी जो राष्ट्रमाता हमने चुनी है वो डॉक्टर माई साहेब अम्बेडकर, उनके बारे में भी लोगों ने बहुत गलत सलत लिखा है, कहा है, मगर ये सब झूठ है। मैं खुद उनसे मिला हूँ और मैंने जान लिया है कि माई साहब का त्याग बहुत महान था। खुद बाबा साहब ने अपने प्रीफेस में लिखा है बुद्धा निज धम्म के विचारधारा की वजह से मेरी तबीयत ठीक रही और मैं अच्छा काम कर सका। जब बाबा साहब ने लिखा तो बाबा साहब पे हम भरोसा क्यों नहीं रखते? चोरों पे जो गद्दार लोग हैं जो बाबा साहब के मूवमेंट के खिलाफ हैं उन पे हम यकीन रखते हैं और माई साहब के खिलाफ ये रखते हैं। तो मैंने खुद अनुभव लिया माई साहब का, वो बहुत त्यागी महिला थी, इसलिए हमने नवराष्ट्र माता में उनका समावेश किया हुआ है। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं कि बाबा साहब ने कहा ये क्रांति केंद्र होना चाहिए और इसलिए ये सभी क्रांतिकारी बातें। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये विजयदशमी की बात दिन आएगा उस दिन हम वामन दहन करने वाले हैं, ये 4 साल वामन दहन करते हैं, अभी भी वामन दहन करने वाले हैं और उसी दिन रावण गौरव बलि गौरव करने वाले हैं। रावण और राम की जब बात आती है, आप देखो ब्राह्मण अपने आप को देव कहते, भगवान कहते, ईश्वर कहते, पर ब्राह्मण नीति इतनी नीच नीति है कि समाज को बर्बाद करने वाली नीति है। इसलिए जो अपने आप को भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ऐसे ब्राह्मण, इनकी नीति समाज के खिलाफ है। वैसे राम की नीति समाज के खिलाफ थी। अभी राम की बात अगर हम ले लें तो राम ने सीता को वनवास में हाकल दिया था, क्यों? कि धोबी ने उसके खिलाफ आशंका जताई थी, ये पवित्र नहीं है। हालांकि राम अगर भगवान है, भगवान था, तो उसने बता दिया ना, हालांकि रामायण यानी काल्पनिक है, वो ग्रंथ काल्पनिक है, इसके बावजूद भी अगर राम की बात लेते हो तो राम अभी स्वीकार नहीं, आदर्श नहीं रह सकता, क्योंकि राम ने महिलाओं पे बहुत अत्याचार किया। शूर्पण का उसके पास गई बताने कि मुझे लक्ष्मण से प्यार है, और उस जमाने में एक ने 10-10 अत्याचारियाँ होती थी, तो उसका कुछ गलत नहीं था। अगर इसको गलत लगता राम को तो उसने बताना चाहता कि नहीं यार, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम उसके पीछे मत पड़ो, उसकी नाक काटने की क्या जरूरत है, स्तन कटवाने की क्या जरूरत है, इतना क्रूर राम था। इसके बावजूद और भी राम की क्रूरता यह है कि जब रावण को मार डाला और जब राम सीता से मिलने गया, सीता बहुत खुश हो गई, अभी मेरा मरा भगवान आया, मेरा पति आया, और वो उछल से आगे गई, तो उसने क्या कहा कि मैंने रावण को इसलिए नहीं मारा कि मुझे तुम्हें पाना था, मुझे दुनिया को दिखाना था कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, और तू रावण के साथ रही, मुझे यकीन नहीं है कि तू पवित्र रहेगी, तू जा, जिसके साथ जाना है उसका हाथ पकड़ के निकल जा। इतना नीच कोई पति इतिहास में किसी ने देखा नहीं रहेगा। और उसका राम राज्य जो था वो चातुर्वर्ण्य का राज्य था, मनुवादी का राज्य था, क्योंकि उसके गुरु ने बताया था, और वो कल्याणकारी राज्य नहीं था। उसका गुरु कहता है कि राम तेरा राम राज्य नहीं रहा, क्योंकि तेरा राज्य में आपातकाल है, भ्रष्टाचार है, मरी बीमारियाँ है और भूख बड़ी है। तो बोलो मुझे बताओ, जिस राज्य में भूख बड़ी है, भूखमरी है, वो राज्य कल्याणकारी होगा? जिस राज्य में भ्रष्टाचार है वो राज्य कल्याणकारी रहेगा? जिस राज्य में बीमारियाँ है वो राज्य कल्याणकारी रहेगा? जिस राज्य में आपातकाल है वो राज्य कल्याणकारी रहेगा? तो राम राज्य कल्याणकारी नहीं था, वो ब्राह्मणों के एक खुशहाली का राज था, मनुस्मृति का राज था। इसलिए तो गुरु के कहने पर राम ने शंभुक की हत्या की। शंभुक शूद्र, शूद्र यानी कौन? मराठा माली धनगर तिली तामाई वाके पटेल ठाकुर कुशवाहा यादव, इनका प्रतिनिधि था। शूद्र बोले तो मार मांग चमार नहीं था, मार मांग चमार ये अति शूद्र है। शूद्र बोले तो ये लोग, इनका प्रतिनिधि था, उनको उसको वो शिक्षा पाता था, और इसलिए राम ने उसकी हत्या की कि सबको सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए जो कोई शूद्र शिक्षा पाने की कोशिश करेगा उसकी ये हालत हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि राम आदर्श नहीं। उसके बावजूद देखो रावण को, देखो रावण ने अगर किसी के बहन को, अगर किसी ने किसी को मारा अपने बहन को, तो कोई भी भाई खामोश नहीं रह सकता। रावण की बहन कहते नाक काट दी इसने, स्तन काट दिया, उसको गुस्सा आना जरूर है। इसके बावजूद भी वो बैलेंस था, उसने सिर्फ सबक सिखाने के लिए सीता को उठाया, अपने पास रखा, मगर उसको छुआ तक नहीं है। कितना चारित्र्यवान था वो। और सबसे ज्यादा बात यह है कि उसकी लंका सोने की लंका थी, इसका मतलब प्रजा कितनी खुश थी। तो दोनों में अगर तुलना की जाए तो रावण हीरो लगता है और राम खलनायक लगता है। इसलिए हम उस दिन विजयादशमी के दिन रावण गौरव और बलि गौरव करने वाले हैं, और वामन
देखो हर ब्राह्मण के घर में बलि को काटते हैं और वामन का जय जयकार करते हैं, इसलिए ये प्रथा बंद करने के लिए, हटाने के लिए, मिटाने के लिए हम रावण दहन करें, वामन दहन करेंगे और रावण और बलि गौरव परिषद ले लेंगे। और यही बात संदेश मैं सभी को देना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हो, इसलिए तभी मैंने सुना हम 5वां साल कर रही है मगर MP बिहार में ये शुरू हुआ है नवराष्ट्र माता उत्सव, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ये नवराष्ट्र माता उत्सव मनाना चाहिए और विजयादशमी के दिन वामन दहन करना चाहिए, रावण गौरव परिषद करनी चाहिए, बलि गौरव परिषद मनानी चाहिए, ऐसा मेरा संदेश है सभी भाइयों। धन्यवाद दादा, आपने बहुत सही तरीके से हमको नवराष्ट्र माता उत्सव के बारे में जानकारी दी, बहुत बढ़िया से हमें उसका महत्व समझाया और सभी बहुजन साथियों को आपने आह्वान किया है कि आप भी ये मनाएं। तो आगे चल के आपका ये धम्मभूमि और यहाँ पे जो आप नए नए उत्सव निर्मिति कर रहे हैं, तो धम्मभूमि और आपके साथी ये महाराष्ट्र के अन्य भागों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ले जा सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। हमने धम्मभूमि एजुकेशन सोसाइटी शुरू की है और अभी हम 29 तारीख को DED और BED किए गए जितने भी SC ST VGNT OBC लोग हैं जो बेरोजगार है उनका यहाँ हम शिविर लेने वाले और धम्मभूमि एजुकेशन सोसाइटी के जरिए उनको यानी स्कूल शुरू करने में हम मदद करने वाले हैं और पूरे महाराष्ट्र में अभी और थोड़े दिनों के बाद महाराष्ट्र के बाहर हम इसका फैलाव करेंगे और जैसा ये धम्मभूमि एजुकेशन सोसाइटी का फैलाव होगा उसी साथ साथ शिवोत्सव और नव राष्ट्र माता उत्सव का भी फैलाव हो जाएगा और मुझे ऐसा लगता है 10-15 साल में पूरे भारत में ये गणेशोत्सव बंद हो जाएगा, नवरात्रि उत्सव बंद हो जाएगा, शिवोत्सव और नवराष्ट्र माता उत्सव मनाने की प्रथा शुरू हो जाएगी। धन्यवाद सभी को, जय भीम, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमको ये जानकारी दी, आपका शुक्रिया। और सभी बहुजन साथियों को मैं आह्वान करता हूँ कि आप भी नवराष्ट्र माता उत्सव आपके जहाँ जहाँ आप रहते हो उस गली मोहल्ले गांव में शुरू करिए और उसके कुछ फुटेज हमें भेज दीजिए, बहुजन संगठन वो लोगों तक पहुँचाने में आपकी मदद करेगा। जय भीम, जय भीम।